आज की हमारी कहानी है तमाशा। देवी प्रसाद अपने बेटे के साथ रात को दुकान से थका हारा घर पहुंचा तो देखा उनकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और बेटी आराम से बेड पर पसरी हुई गाने सुन रही थी। देवी प्रसाद रसोई में गए और पत्नी से पूछे, आज घर में बहू दिखाई नहीं दे रही है। पत्नी नाक चढ़ते हुए बोली, लड़का पीहर चली गई है, मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी बहू से। बैठी रहने दो मायके में, कुछ महीने वहीं पड़ी रहेगी तो अकल आएगी। उनका बेटा रसोई के बाहर खड़े होकर माता पिता की बातें सुन रहा था। देवी प्रसाद बोला, ग्रह क्लेश तुम भी तो तुम ही तो करती हो, अकेली बहू को क्यों दोष देती हो। इतना कहते ही पत्नी ने खाना बनाना छोड़ दिया। फिर गुस्से में बोली, आपको तो मैं ही मेरी बेटी ही बुरी लगती है, वो कल की आई छोकरी निर्दोष नजर आती है। मैंने इस घर के लिए अपना सारा जीवन होम दिया, फिर भी मैं ही बुरी हूँ। देवी प्रसाद बोले, बस करो, अब बहुत हुआ सुलोचना। पिछले एक साल से तुम लोगों ने घर को कबूतर खाना बना दिया है, पूरे दिन तमाशा करती रहती हो। हम माँ बाप बेटे अच्छे कमा रहे हैं, तुम लोगों को हर तरह की सुविधा दे रखी है, फिर भी घर में शांति नहीं है। मैं बहुत दिन चुप रह लिया मगर अब नहीं रहूँगा। सुलोचना ने पति की आंखों में देखते हुए कहा, बेटे की शादी करते ही वो कल की आई छोकरी अच्छी लगने लगी और हम माँ बेटी बुरी लगने लगी। हम माँ बेटी को भी घर से बाहर निकाल दोगे क्या। देवी प्रसाद ने कहा, शादी में 20 लाख रुपए खर्च करके बहू लाया था मगर तुम्हें बहू को संभाल कर रखना नहीं आया। एक साल में ही उसे अपने बराबर कर लिया और 24 साल की बच्ची तो है, अगर उसे भी अपनी बेटी समझकर समझाता होता तो ये नौबत नहीं आती। जिस घर में दो घड़ी चैन से बैठकर खाना ना खा सकता उस घर में मैं नहीं रहूँगा। कल से मैं और मेरा बेटा अलग किराए के मकान पर रहेंगे। फिर अगले दिन देवी प्रसाद ने सचमुच किराए का घर ले लिया और दोनों पिता पुत्र उसमें रहने लगे। एक दो बार सुलोचना का फोन आया तो देवी प्रसाद ने बिना उठाए काट दिया। सुलोचना ने सोचा तो एक दो दिन अकड़ में बाहर रहेंगे, फिर अपने आप घर आ जाएंगे। इधर पीहर जाने के 2 दिन बाद बहू निशा ने अपने पति को फोन किया, बोला, जब तक मेरे लिए अलग घर नहीं लोगे मैं वापस नहीं आऊँगी, मुझे तुम्हारी माँ और बहन के साथ नहीं रहना। वह बोला, अलग घर ले लिया है मगर तुम्हारे लिए नहीं, उस घर में मैं और पापा रहेंगे, माँ और बहन दोनों अकेली रह रही हैं, तुम पीहर में रहो, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, अब शांति से रहेंगे। इतना कहकर उसने पत्नी का फोन काट दिया, फिर दोबारा नहीं उठाया। दोनों पिता पुत्र गृह क्लेश से तंग आ चुके थे, घर की औरतों को समझा कर थक चुके थे मगर अब हर तरफ शांति थी। सुबह शाम काम वाली आकर घर का काम कर देती थी, फिर दोनों दुकान पर चले जाते, शाम को घर आकर आराम से सो जाते थे। 10 दिन बाद सुलोचना दुकान पर चली आई, आते ही बोली, क्यों जग हसाई करवा रहे हो जी, घर चलो। देवी प्रसाद बोले, जग हसाई कहाँ हो रही है, हर तरफ शांति, जग हसाई तो तब हो रही थी जब घर में क्लेश होती थी, पूरा मोहल्ला सुना करता था। अपनी बहू से बातें करो, फिर तुम तीनों आइंदा से लड़ने के वचन दो, तभी मैं घर आऊँगी। सुलोचना वापस चली आई, वह बहू को फोन करके हरगिज़ नहीं बुलाना चाहती थी, बल्कि वह तो यह चाहती थी कि बहू 4-5 महीने पीहर में रहे और जब वह वहाँ की औरतें उसे पीहर में पड़े रहने के ताने सुनने लगे तब उसे सब मिलेगा। मगर पति और बेटे ने अलग रहकर सुलोचना के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। लगभग 2 महीने तक सिलसिला चली। इन 2 महीनों में सास सुलोचना और बहू निशा दोनों परेशान हो गई थी। आखिर सास ने बहू को फ़ोन किया और बोली, बेटा लौट आ ताकि फिर से हम एक छत के नीचे रह सकें। निशा तो खुद पछतावे में जी रही थी। सास का फोन आते ही तुरंत ससुराल आ गई। फिर सास ननद और बहू तीनों देवी प्रसाद के पास पहुंची और आइंदा कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करने का वचन दिया। देवी प्रसाद बेटे के साथ वापस अपने घर लौट आया। उसके बाद कभी भी उनके घर पर झगड़ा की आवाज़ नहीं आई। देवी प्रसाद की यह तरकीब
आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। कहानी मोरल, घर के क्लेश कर के घर में तमाशा मत कीजिए। लोग आपके घर के बाहर टिकट कटाए बैठे हैं कि कब झगड़े हो, फिल्म शुरू हो और हम मजे लेकर देखें। जी हाँ दोस्त, हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।